Where to? Asked Chotu, really excited. By now. Wait and see, said the golden boat. Chotu jumped into the boat. It began to move at once. Hang on tight, Chotu, it said. Don't fall off. Chotu looked around him. It felt like riding a merry-go-round. Well, I can set the boat. Jump in and we will be off. अब जो बोट थी, आपने पढ़ा था लास्ट टर्न में कि जो बोट थी सिल्वर कलर की, वो उससे गोल्डन कलर की, वो उससे कह रही थी आओ यहाँ पर और बैठ जाओ उस पर. तो वेयर टू आस्क छोटू, तो आस्क पूछ रहा है कहाँ, छोटू पूछ रहा है उससे कहाँ पर, बहुत ही एक्साइटेड होकर. वेट एंड शी सेड द गोल्डन बोट. गोल्डन बोट ने कहा उसे कि कहाँ जाना है, कि वेट एंड देखो, इंतज़ार करो और देखो. छोटू जंप करता है, बोट पे बैठ जाता है, तो बोट अपने आप ही फिर मूव करने लगती है. हैंग ऑन टाइट छोटू, इट सेड डोंट फॉल ऑफ. छोटू से वो बोलती है गोल्डन बोट कि इसको टाइटली पकड़ लो छोटू, डोंट फॉल ऑफ, गिर मत जाना तुम, इसको टाइटली पकड़ लो. छोटू इधर उधर देखता है. ही फेल्ट लाइक राइडिंग ए मेरी गो राउंड. सडनली ही saw very bright twinkling light all around him. Was what are these lights? Asked Chotu. It is not Diwali. Is it? Oh no, said the golden boat, rocking with laughter. They are stars. Stars? Stars? Where are we then? The sky, of course, but I can't. It the space sea. छोटू लुक्ड अराउंड हिम. छोटू चारों तरफ देखता है. इट फेल लाइक ए राइडिंग ए मेरी गो राउंड. जैसे आप लोग मेले में वगैरह में जाते हैं तो आप लोग झूले पे बैठते देख नहीं चारों तरफ कितनी तेज़ी से वो चलता है, उसी तरीके से उसका भी जो वो गोल्डन बोर्ड थी वो तेज़ी से चल रही थी. अचानक से उसने देखा कि बहुत सारी रोशनी चमक रही है बहुत ज़्यादा उसके चारों तरफ. तो उसने पूछा व्हाट आर दीज लाइट, ये लाइट्स कहाँ से आ रही हैं. तो छोटू ने पूछा कि कोई दिवाली तो है नहीं जो इतनी लाइट आ रही है. ओ नो, सेड द गोल्डन बोट. गोल्डन बोट ने कहा रॉकिंग विथ लाफ्टर, हंसते हुए कहा. ओ नो, दी दे आर स्टार्स, ये सब स्टार्स हैं. तो वो चौंक जाता है, वो पूछने लगता है स्टार्स वेयर आर वी देन, तब हम कहाँ हैं. तो जो बोट स्पेस बोट जो वो होती है बोट, वो उससे कहती स्काई, ऑफकोर्स स्काई में हैं हम लोग, बट आई कॉल इट द स्पेस सी, हम लोग इसको स्पेस सी भी कह सकते हैं. Who are you please? Ask छोटू. छोटू उससे पूछता है Who are you please? बताओ कि तुम कौन हो. तो can't you guess? तुम guess नहीं कर सकते हो. तो बोट उससे कहती है Yes I can, मैं कर सकता हूँ, cried छोटू. छोटू चिल्लाया और clapping his hand, अपने हाथों को ताली बजाने लगा. You are the moon, तुम moon हो. You are चंदा मामा, तुम चंदा मामा हो. They switched past many twinkling stars with smiled winged and said hello Chotu. This which वे आगे पढ़ने लगते हैं. उनके मतलब बहुत सारे स्टार्स और जो स्माइल करते हुए उसके बगल से निकलते चले जा रहे हैं और जो उसको विंक कर रहे हैं, आँख झपका रहे हैं, एंड सैड और उसको कह रहे हैं हेलो छोटू. हेलो हेलो रिप्लाइड छोटू वेविंग. छोटू भी उससे हाथ हिलाते हुए कह रहा है हेलो छोटू. बट देयर वॉज सम स्टार्स हु डिड नॉट विंग, लेकिन वहाँ पर कुछ और भी स्टार्स थे जो चमक नहीं रहे थे. नॉट डिड दे स्माइल्ड ऑन दे से हेलो, ना ही वो कुछ स्माइल कर रहे थे और ना ही वो हेलो कह रहे थे. वाई आर दी स्टार्स ग्लम, आस्क छोटू इन सरप्राइज. छोटू ने सरप्राइज होकर उनसे पूछा कि ये जो स्टार्स हैं ये सैड क्यों हैं. ग्लम मीन्स सैड क्यों हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्टार. तो मून कहता है उसे कि क्योंकि ये स्टार्स नहीं हैं. दे आर प्लैनेट्स लाइक योर अर्थ, ये भी तुम्हारे अर्थ की जैसे एक प्लैनेट्स हैं. वॉट आर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या होते हैं छोटू पूछ रहा है. तो स्टार्स हु डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स जो चमकते नहीं हैं. सैड द मून कह रहा है दे आर सीरियस एंड ग्रमी, ये सीरियस, ये स्टार की जैसे चमकते तो है नहीं, ये सीरियस होते हैं और ग्रमी बैड टेम्पर्ड होते हैं. लाइक आशा आंटी, सैड छोटू. तो छोटू कह रहा है जैसे कि आशा आंटी हैं हमारी. तो मून कह रहा है दैट्स राइट, तुम सही कह रहे हो. सैड द मून लाफिंग, मून हंसते हुए कह रहा है. दे मूव्ड ऑन द कूल नाइट एयर ब्रश छोटू चीक्स स्टार ट्विंकल एंड सू स्टोन एवरीवेयर. ओ लुक Like a star is falling, said Chotu. Shall we go and catch it?
द मूव ऑन, फिर वो आगे बढ़ते हैं। द कूल नाइट एयर ब्रश करने लगती है कूल नाइट में छोटू के गालों पर, स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स चमकने लगते हैं, स्टोन एवरीवेयर, स्टोन ही स्टोन दिख रहे होते हैं। ओ लुक देयर आर स्टार इज फॉलिंग, देखो वहाँ पर एक स्टार गिर रहा है, क्राइड छोटू बोला। शैल वी गो एंड कैच इट, चलो हम लोग वहाँ चलेंगे और क्या हम उसको पकड़ लें। तो डोंट बोदर सैड द मून, इट इज़ अ शूटिंग स्टार, दे ऑलवेज शूट अक्रॉस द स्काई लाइक दैट, ये शूटिंग स्टार है, हम लोग इसको नहीं पकड़ेंगे। डोंट बोदर, तुम लोग ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करो, और इस ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार मीन्स जानते हैं जो नहीं आपके वहाँ पर, रॉक दैट स्पेस दैट बर्न वेरी ब्राइटली वेन इट फॉल ऑन अर्थ, जैसे कोई भी पत्थर आपके पृथ्वी के पास आके गिरता है तो वो जलने लगता है, तो वो शूटिंग स्टार्स कहलाता है। द डार्कनेस अराउंड वॉज वेरी फ्रेंडली, इट डिड नॉट सीम स्कैरी एट ऑल, सडनली द स्टार्स चेंज्ड कलर, अचानक से स्टार अपना कलर चेंज करने लगता है, दे बिकम रेड एंड रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट स्पार्किंग लाइट जेम्स, वे बिल्कुल रेड ग्रीन ब्लू एंड वाइट कलर से चमकने लगते हैं, स्पार्किंग लाइट जेम्स, जैसे रत्न नहीं होते हैं, जेम्स होते हैं, ज्वेलरी होती है। एंड देन छोटू ने देखा कि समथिंग रियली स्ट्रेंज, इट वॉज ए स्टार विद अ वेरी लॉन्ग टेल जस्ट लाइक ए ब्रूम, कि उसने एक स्टार को देखा जिसके बहुत लंबी पूंछ जैसी थी, ब्रूम जैसे हम लोग के नहीं, ब्रूम मीन्स झाड़ू होती है उस तरीके से। तो दैट्स अ कमेट, यह कमेट है, सैड द मून, मून ने कहा आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। छोटू विस्पर करने लगा, इट लुक एज इफ इट इज गोइंग टू स्वीप मी राइट अवे विथ इट्स टेल, लग तो ऐसा रहा है जैसे ये हम लोगों को भी स्वीप कर देगी अपनी टेल से, पूरा हम लोगों को साफ कर देगी। ओ नो इफ कैंट डू दैट सैड द मून, डोंट बी एफ्रेड, सडनली छोटू थॉट ऑफ हिज मदर मम्मी पापा एंड गुड्डू, वेयर वर दे मिसिंग हिम, चंदा मामा आई वॉन्ट माई मम्मी एंड पापा, सैड छोटू वेयर आर दे, ओ नो इट कांट डू दैट सैड द मून, नहीं ये ऐसा नहीं करेगा, डोंट बी डरो नहीं तुम उससे। सडनली छोटू को अपनी मम्मी की याद आ गई, उसकी मम्मी पापा और उसको गुड्डू की, वेयर वर दे वे सब कहाँ है, वो पूछने लगा उससे, वे वर दे मिसिंग हिम, वो उसको मिस करने लगा। चंदा मामा उससे कह रहे क्या तुम उनको मिस कर रहे हो, आई वॉन्ट माई मम्मी पापा, तो छोटू कह रहा है मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहता हूँ, वेयर आर दे वे कहाँ हैं, वी हैव लेफ्ट दैम फॉर बिहाइंड, तो मून कह रहा है कि हम उनको बहुत पीछे छोड़ आए हैं अर्थ में, वॉन्ट आई सी दैम अगेन, क्या हम उनको फिर कभी नहीं देख सकते हैं, छोटू ने दुखी होकर बोला, सैडली बोला, ऑफ कोर्स सिली यू विल सिली, हम लोग देख पाएंगे सिली, सैड द मून ने कहा, वी विल गो बैक टू योर टेरिस नाउ, हम तुम्हारी छत पर जाएंगे और सूरज निकलने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे, वेयर विल यू गो, ओ माई यूजल वे टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज नाइट, अदर चिल्ड्रन लाइक यू विल बी वेटिंग फॉर मी, बट आई विल कम अगेन टुमारो, सैड द मून, तो वो पूछ रहा है छोटू कि फिर तुम कहाँ जाओगे, एज वो बता रही है मून, एज यूजुअल मैं दूसरे पार्ट में जाऊँगा जहाँ पर पृथ्वी में जहाँ पर अंधेर रात होगी, और वहाँ पर भी तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे वहाँ पर, कल मैं तुम फिर आऊँगा तुमसे मिलने, जस्ट सैड द मून, कल फिर मैं आऊँगा, जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, फिर एक तेज़ी से विंड ब्लो करती है, द गोल्डन बोट शूट फॉरवर्ड्स, वो आगे बढ़ने लगती है, ऑलमोस्ट क्रैशिंग इन टू छोटूज टेरिस, ऑलमोस्ट क्रैशिंग होने वाली होती है बिल्कुल, और वो छोटू की टेरिस में आकर रुक जाती है। गुड बाय चंदा मामा गुड बाय, क्राइड छोटू जंपिंग डाउन, छोटू जंपिंग करता है और उनसे गुड बाय कहता है। एवरी वन वॉज फास्ट स्लीप, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, मम्मी पापा एंड गुड्डू, छोटू हंसता है और अपने बिस्तर में चला जाता है। नाउ छोटू नेवर आस्क वेयर द मून गोज इन द डे टाइम बिकॉज ही नोज, अब वो छोटू कभी नहीं पूछेगा कि डे टाइम में मून कहाँ जाता है, क्योंकि अब उसको पता है। आपने ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, स्वप्ना दत्ता के द्वारा ये राइट की गई है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी।
इसी तरीके से आप भी अपनी एक स्टोरी इमेजिन कर सकते हैं और आपको नोट डाउन करके मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।